अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं एक बुफे रेस्टोरेंट को ट्राई करने। लेट्स गो। फातिमा जो है आगे बैठ गई है क्योंकि फातिमा को पीछे जगह नहीं मिल रही थी। फामू गाओ, हाथ हिला दो व्यूअर्स को। हाय, यहाँ पे देखो पिक्चर्स ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम भी लेंगे, ठीक है। ये पिक्चर्स का बहुत अच्छा सा सेटअप बनाया हुआ है, इस तरह का। इस तरह पहले कुछ खा लें पी लें। सो डाइनिंग के लिए हमें इनका अंदर वाला एरिया मिला है। इनकी टू डाइनिंग है, एक बाहर की तरफ जो कि सी नज़र आता है और एक अंदर की तरफ। और रात के टाइम अगर आप लोग आ रहे हैं तो अंदर ही ज़्यादा बैठना प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि बाहर का जो व्यू है वो हाँ इवनिंग की वक्त या हाइकिंग में जब हाइकिंग होती है जब बहुत अच्छा व्यू आता होगा, क्योंकि रात के टाइम तो कुछ भी नज़र भी नहीं आ रहा था सी वगैरह का। और यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा था जिसके वजह से फुल बुक था, और आप लोग देख भी सकते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ सी। ये देखो, स्क्रीन है ना, ये किस चीज का है? ये आई था। कोई तो भूत आ रही है। कहाँ? वो देखो, आयो आयो। यहाँ पे बर्थडे के सेटअप्स भी हुए हुए हैं और ये है बुफे। चलो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग पहले जैसे हम लोगों ने दिखाया था ना जूसेस है, यहाँ से दिखा दो। ये चाइनीज है यहाँ पर, एग फ्राइज है, फ्राइड राइस है, ये सॉसेस है इनके साथ, ठीक है। और ये बिल्कुल कुक भी हो रहे हैं। ओपन करो, ओपन करो। ये प्रॉन्स हैं फ्राइड, टेस्टी। आ जाओ, ये खोलो पाप। ये है फ्राइड फिश और ये कुक भी हो रहे हैं साथ साथ। फामा की फ्राइज और ये सॉसेस हैं इसके साथ, हलवा और पूरी। वाओ, गरम गरम। नहीं, तरकारी है। अभी हो रहा है, प्लेटर है ये। आपको दिक्कत खाना बताओ। अब ये वाला, ये जो जगह है ना, फिर वहाँ पे एंड में आएंगे ना सैलेड, वो है डिज़र्ट बार। ये इटालियन है, पास्टास हैं और ये है स्पाइसी पास्टा। हाँ, ओपन करके दिखाओ ना, यहाँ से ओपन कर करके दिखाओ। स्पाइसी पास्टा है, बीफ निहारी है और सब गरम गरम है ना फामा। ये क्या है? कीमा, कड़ी चावल। वाओ, फातिमा की कड़ी चावल। पालक पनीर है ये और मैश पोटैटो है। वाइट कढ़ाई है और चिकन जिंजर है। जबरदस्त।
अफगानी पुलाव की है, और ये है चिकन कॉर्न सूप, इसके सॉसेस हैं हॉट सूप, हॉट सूप। फातिमा बाप खुश हो गई? अगर आपने जरूर देखिएगा। हाँ ये है बिरयानी, मटन नहीं चिकन बिरयानी, और ये है मटन कढ़ाई, और इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये है चिकन कढ़ाई, और बिल्कुल नीचे देख सकते हैं आप लोग, गरम गरम है। दाल है, मिक्स वेजिटेबल है, मटन पाया। पप्पा को बता दो पाए के बारे में, पप्पा पाए ज़रूर खाते हैं। मिक्स नान है, फार्म आपकी नान ये लो, गरम गरम। ब्रेन मसाला, अच्छा सारी जो चीज़ें प्रॉपर गरम हैं और फ्रेश हैं। अब आते हैं हम लोग डिज़र्ट और इस बार में ये है मक्खन पेड़ा, पेड़ा मक्खन पेड़ा, मजे का है फातिमा, ये बेस्ट है बेस्ट। एग पुडिंग है, ये खीर है, ये खीर है, और ये है शुगर फ्री खीर भी, ये सही है। ये है लबेशिरी जेली, फातिमा जेली ग्रीन वाली, हाँ ग्रीन वाली है। और ये है पाइन एप्पल कस्टर्ड, ये वेल पैम्पलेट है, ये वेल लेवेट है, लेट पैम्पलेट। चॉकलेट मोज और तो तेरे तो आइसक्रीम, नहीं आइसक्रीम नहीं है, ओह हाँ आइसक्रीम है ये। आप लेने आना भी, जो जो चीज़ें आपको मैंने दिखा दी है ना, ये आप देख सकते हैं। डोनट्स नहीं, चिकन चॉकलेट बॉल्स हैं ये, और शाही टुकड़े, हॉट गुलाब जामुन है। आप क्या ले रहे हो? लेना शुरू नहीं किया तुमने अभी तक? मैंने ग्रिल चिकन तो ऑर्डर, तुमने अभी क्या बोला था, मैं अभी बताओ क्या क्या करना चाहिए। चॉकलेट ब्राउनी, हम ब्राउनी अच्छे, तुम रोटी के साथ ये खा रही हो। जेली है ये, फातिमा हो रही हो, ये सारी सैलेड्स हैं। सैलेड बार आप देख सकते हैं काफी बड़ा है इनका। अच्छा एक दफा खा के देखो पहले क्या आपको अच्छे लग रहे हैं। सॉसेस हैं, ये प्लेट्स रखी हुई हैं, इतना बड़ा जो है बुफे है। मैं लाई हूँ पास्ता वाइट, सॉसेस और चाउमीन। क्यों है ना चलते हैं, तुम क्या लाए हो अभी? ग्रिल चिकन, अफगानी पुलाव, पास्ता। अच्छा यहाँ पर जो टाइमिंग है 9 से 12 है, तो हम 9 से 12 वाले बुफे में आए हैं। बार तो नहीं है। अच्छा पापा आपके लिए कमेंट्स आया था कि आप बुफे में जाके पाए खाते हैं। फातिमा आइसक्रीम लाई है, फातिमा सबको टेस्ट कराओ बेटा, बेटा और मिल जाएगा, बुफे है क्या हो गया। मजे किए, मजेदार फ्री है। हम जो है दोबारा से जा रहे हैं, फातिमा भी आ रही है कुछ लेने, देखते हैं आप क्या लेते हैं। बच्चों की प्लेट्स देखो, बच्चों की प्लेट्स, छोटे बच्चों की प्लेट्स, एक ये वाली भी है और एक ये वाली भी, फ्रोजन वाली भी है।
ताकि बच्चों से टूटे नहीं, इन्होंने इसलिए रखी। ये अच्छी बात है। ये भी बनी पूरी, ये भी बना रहे हैं आप? चले हाँ आई चाहिए। चलिए जी, हमारे लिए नए ताज़ा ताज़ा पूरी बन रही है, जब तक हम ये की तरकारी निकालते हैं। थोड़ी सी चने वाली पूरी बना रहे हैं जो है आ गई है। अरे तो तू तुझे भी ला देंगे ना हम लोग। हलीम है, हलीम बीफ है। वाह फातिमा ने कितनी अच्छी प्लेट अपनी रेडी की है। वाह मामा जल्दी खाओ, बीफ है, बीफ गरम गरम है क्या सर? पड़ेगा मामू, तुम्हें सब पता चल गया सबको कि तुम हलीम बहुत शौक से खाते हो। मैं बेहतरीन चीजें खा रहा हूँ। तुमने क्या खाया सबसे पहले? ठीक है, वो भी अफगानी। ठीक है, ये हो गई, ये सबको पता है महंगी चीज है। दूसरी सबसे महंगी चीज क्या खाई है बताओ? क्या? ग्रिल चिकन। ग्रिल चिकन ठीक है। तीसरी महंगी चीज यार मावे मुझे भी लाके दे देना। तीसरी महंगी चीज क्या? फिंगर फिश। फिंगर फिश। चौथी महंगी चीज आपके सामने पड़ेगी क्या? बीफ पुलाव। बीफ कितने रुपए किलो है? तो तुम यहाँ पे केजीस वाले हिसाब लगा लगा के खा रहे हो। फातिमा की देखी बहुत मावे तुमने, छोटी सी प्लेट हार्ट वाली। हलीम खा के देखिए बेहतरीन चीज। अरे यार बीफ है, बीफ जो ले खा के तो देखिए, चम्मच खा के देखिए, ये ले। हम अब क्या लाएंगे भाई? देखो जो जो कुछ लाएगा ना वो बताएगा जरूर क्या क्या चीज है। ये राइस पूरी अगर आपका समझ आ जाए, और फ्राइज फ्राइज मेरे भी फ्राइज है। ये सबको प्रमोट कर रहा है हलीम। फातिमा देखो किस भागती भी आ रही है। अपनी नई प्लेट ले लो, अब फ्रोजन वाली लो फातिमा, फ्रोजन वाली लो। अब क्या लेकर आओगे तुम? हलीम पे ही नजर आएगा। मैं पूछ रही थी हलीम मम्मा, मैं पूछ रही थी हलीम कहाँ रखा है, मुझे वो बंदा नजर आएगा, मैं समझ गई हलीम यहीं पर। देखो ये हलीम निकाल रहा है मम्मा आपके शाही टुकड़ों। लेकिन हलीम और बिरयानी मिक्स करके खाती हूँ, शुरू से आदत है हलीम और बिरयानी मिक्स करके खाती हूँ। मसाला थोड़ा सारा ये चीज खाए मम्मा, ये बहुत मजे की चीज है, एक उठा के खाए खाए तो सही। बताए मजे के ना? ये भी न्यू बन गए हैं। चाय टुकड़े ले लो ना अपने, थोड़े से प्लेट लेकर आओ। फातिमा से मंगाते हैं, फातिमा से। ये देखिए ये बंदा इसको ये ऐसे ही घुसा है बगैर, ये अभी आपको पकड़ा ही में आ जाएगा। ये देखिए ये हम लाए हैं मम्मा, आप बताइएगा कौन सी अच्छी है, चिकन अच्छी है मटन अच्छी है? ठीक है, अभी कौन सी टेस्ट किया आपने? चिकन कैसी है? अच्छी है। और मटन? मटन टेस्ट करके बताएं कौन सी? दोनों अच्छी है बट चिकन ज़्यादा अच्छी है। चिकन ज़्यादा अच्छी है। पामू तो फुल इंजॉयमेंट कर रही है छोटे छोटे प्लेटों में अपनी। माविया तुम्हारा मुँह देखो पाए जैसा लग रहा है, पाए जैसा लग रहा है। इसमें मिल रहा है देखो, इसमें हड्डे में ना। कैसी मिली आपको आइसक्रीम? अब फातिमा खुश हो गई। मैं जो है फिर आइसक्रीम ले आई है। आपने बता दो स्कोप का, दुआ करोगी हो उन्होंने खुद ने डाल दी।
मैं सब खाऊंगी। जिसे ट्राई करना है हमें, ये है ब्राउनी। मुझे लगता है मैं इतनी बिरयानी फ्राई कर रही हूं, मेरा गला तो खराब हो जा रहा है। ये देखो ब्राउनी है, कितना अच्छा है। मेरा गला खराब हो जा रहा है। पहले मीठा बहुत अच्छा है यार। पहले पहले थी बीमार हूं, और इतनी में ना ऑयल ऑयल मुझे आ रही हो। हाँ खाना बहुत मज़े का था, और हर चीज़ फ्रेश, हर मतलब मीठा भी। अभी एंड हम लोग कर रहे हैं मीठे पे। अच्छा मामी तुम बताओ तुम्हारा रिव्यू क्या है, बुफे रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए ये वाला? मछली नहीं, वैसे ये वाला बुफे जो रेस्टोरेंट है ट्राई करना चाहिए? नो। मछली के अगर शौकीन हो तो आना चाहिए। माफ आत्मा आप नो तुम जब से खा रही हो उसके बाद कह रही हो नो। बेटा तुम्हारा पूरा ब्लॉग आ गया। मैंने मछली इतनी खा ली है कि ये बराबर में जो सीवियो है ना, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। क्या तुम पानी में जाओ, इतनी मछली बैल बन गए तुम। लेकिन अभी हम मैं खा रही हूँ यहाँ पे मीठा, सारी चीजें मिक्स करके फार्मा की बॉल, चॉकलेट बॉल। मैं नहीं खा रही। फ्रेंच फ्राइज किसने मेरा मिक्स किया, तुम हो रही है? अच्छा जी, हमने जो है डिनर कर लिया है, और तकरीबन सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, और काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं खाने की, बिल्कुल फ्रेश है। किसी भी चीज़ में ना इनकी कोई स्मेल नहीं आ रही, हर चीज़ फ्रेश है, और काफ़ी ज़्यादा डिशेस हैं। डिशेस मैंने काउंट नहीं की, लेकिन डिशेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और आप लोग भी ज़रूर आकर ट्राई कर सकते हैं अगर बुफे रेस्टोरेंट कोई अच्छा देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत इवेंट्स भी हो रहे हैं, बर्थडे हो गई या वेडिंग इवेंट्स वगैरह हो गए, वो सब हो रहे हैं। एक बार मेरी फैमिली छुट्टी होती है, अगर यहाँ पे कोई इवेंट्स भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, छोटे इवेंट्स, बर्थडे वगैरह। और वैरायटी बहुत है खानों की, सो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर कोई बुफे रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। खाना कैसा लगा? आज हम लोग फातिमा की वजह से बुफे में आए, क्योंकि फातिमा को बुफे के रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे बैठो तो सही, नीचे तो बैठो। फातिमा को ऐसा लगता है कि बुफे में फातिमा को सारा खाना जो है ना वो फ्री मिल रहा है, लेकिन फ्री नहीं मिलता फातिमा, हम आपका पे करते हैं। ये देखो अपना पेट दिखा रही है। अभी भी अगर कुछ खा रहे हो तो आप खा सकती हो, खाने अभी भी टाइम है। अच्छा यहाँ की जो टाइम है, फातिमा रुको से, यहाँ की जो टाइमिंग है वो 9 से 12 है, और 7 से 9 है। शाम के 7 बजे से 9 बजे तक है, फिर 9 से 12 है, और 2 बुफे लगते हैं। अच्छी खासी टाइमिंग है, आप एक आधा घंटे में बहुत होता है। हाँ अगर कोई इवेंट्स है तो फिर वो एक अलग बात है। तुम मेरी जो ये नकल उतारती हो ना पीछे बैठे बैठे बैठे, सब मैं देखती रहती हूँ। हाँ तो यहाँ पर हमारा व्लॉग होता है एंड। अगर आप लोग अच्छा लगा व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय। सो यहाँ पर मैं बिल भी शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं 1984 के हिसाब से 6%, बाकी इनकी ड्रिंक्स थी, 13% का टैक्स था, 10% का डिस्काउंट था, ओवरऑल पेमेंट जो बनी है 12,565 बनी है।